Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to show you how to make a canvas at home without spending a single money. तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे कनेक्टेड. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूज़पेपर और एक कार्डबोर्ड ले लिया है मैंने. न्यूज़पेपर को अभी हाफ डिवाइड करूँगी मैं और हमारा न्यूज़पेपर कार्डबोर्ड से बड़ा होना चाहिए न्यूज़पेपर का साइज़. एंड देन आई विल अप्लाई सम ग्लू ऑन इट. आई एम टेकिंग फेविकोल. यू कैन टेक एनी कंपनी ग्लू. जस्ट पेस्ट द कार्डबोर्ड ऑन न्यूज़पेपर और अभी यहाँ से न्यूज़पेपर को साइड से हम फोल्ड कर देंगे. फोल्ड करने के बाद हमें कॉर्नर्स मिल जाएंगे और हमारे जो कॉर्नर्स होंगे हम उनको कट कर देंगे सो दैट इट विल बी ईजी फॉर अस टू पेस्ट द न्यूज़पेपर फ्रॉम ऑल द साइड्स. इस तरह से यहाँ पर हम कट कर रहे हैं कॉर्नर्स को स्क्वायर शेप में वहाँ पर. और इससे हमें एक बहुत ही नीट लुक मिल जाता है. एंड यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर का 3-4 लेयर्स आप ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं. इससे हमारा जो बेस है वो बहुत सॉलिड बन जाएगा. और अगर आप लर्नर हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कैनवास में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. Don't invest so much on canvases and colors while you are in a learning stage. आप beginners हैं, आप learners हैं, अभी आपने शुरुआत करी है सीखने में तो आपको canvases पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. आप घर पर ही इस तरह से बनाएं और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप beginner हैं या फिर आपने अभी अभी learn करना शुरू किया है painting और अभी आप इसी process में हैं तो ये बहुत best option है. अब मैं यहाँ पर एक वाइट प्लेन शीट ले रही हूँ जो मैं इसके ऊपर पेस्ट करूँगी और अब एक वाइट शीट का एक आपको लेयर मिल जाएगा. और जैसे हमने न्यूज़पेपर के साथ किया है पेस्टिंग वैसे ही आपको ये वाइट शीट के साथ पेस्टिंग करनी है. एंड इवन इफ़ यू वॉन्ट टू डेकोरेट योर होम और आपको कैनवसेज अभी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो कार्डबोर्ड्स तो हमारे घर में अवेलेबल रहते ही हैं क्योंकि आजकल तो वैसे ही बहुत हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और हमारे घर में कार्टून्स वगैरह हमें ईजिली मिल जाते हैं क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स कार्टून्स में आते हैं. और यहाँ पे आप कोई भी साइज़ का ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे छोटा साइज़ लिया है. ये अराउंड 12 इंच हाइट में है और मैंने छोटा साइज़ लिया क्योंकि आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू मेक इट. तो ये चॉइस आप पर है कि आप कौन सा साइज़ लेना चाहते हैं. अगर आपके पास बड़ा कार्टून अवेलेबल है आप बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं. आप कुछ भी वॉल डेकोरेशन करना चाहते हैं, आप खुद से पेंटिंग बना के आपके घर को डेकोरेट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए. आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं. एंड वापस वीडियो पर आते हुए देखिए मैं क्या कर रही हूँ. अब मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ. मैंने साइड्स के जो कॉर्नर्स हैं वो काट लिए हैं और अब मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ. और बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत टाइम सेविंग प्रोसेस है एंड आल्सो अ मनी सेविंग प्रोसेस. सो यहाँ पर हमारा 0 रुपीज़ लगा है एक कैनवस तैयार करने में. यहाँ पर मैं वाइट ग्लू यूज़ कर रही हूँ, फेविकोल कंपनी का. आप कोई भी कंपनी का वाइट ग्लू ही यूज़ करें और मार्केट में ट्रांसपेरेंट ग्लूज़ भी आते हैं उनको अवॉइड करिएगा क्योंकि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते हैं. इवन जो स्टिक्स आती हैं, ग्लू स्टिक्स आती हैं, उनको भी आप अवॉइड करें, वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं. यहाँ पर आप कोई भी वाइट ग्लू यूज़ करें या फिर अगर आपके पास ग्लू गन अवेलेबल है तो आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं.
ज़ीरो बजट में कैनवस बनाने के दो और तरीके भी हैं मेरे पास, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और फिर आप बोर भी हो सकते थे, तो आई डोंट वॉन्ट कि मेरी ऑडियंस बोर हो, इसीलिए मैं आपको आज एक कैनवस का दिखा रही हूँ और इसके ऊपर मैं आपको पेंटिंग भी करके दिखाऊंगी, सो दैट आपको पता चल सके कि हमने जो कैनवस बनाया है कितना यूज़फुल है और इसके ऊपर भी जो पेंटिंग है वो कितनी ग्रेसफुल लगती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम कैनवस क्लॉथ और पूरा एक प्रॉपर बोर्ड और कैनवस के साथ ही पेंटिंग बनाएंगे तो वो अच्छी लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बिल्कुल एक गलत मिथ है। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप कहीं पे भी आपकी क्रिएटिविटी निकाल सकते हो। यू डोंट नीड ओरिजिनल कैनवस, कैनवस बोर्ड और ईजल, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट नीड क्रिएटिविटी एंड यू हैव टू ब्रिंग आउट योर क्रिएटिविटी फ्रॉम यू। तो उसके लिए आपके पास कैनवस हो चाहे ना हो डजेंट मैटर, आप खुद अपने घर पर कैनवस बनाइए। अभी हम बैक साइड पर भी ग्लू लगाएंगे अच्छे से हमारी, और यहाँ पर प्लेन पेपर, वाइट कलर पेपर पेस्ट कर देंगे। अगर आपको कलर्ड पेपर यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट मेरा बाहर निकल रहा है कैनवस से, उसको मैं कटर के साथ कट कर रही हूँ सो दैट आई कैन गेट एन इक्वल बॉर्डर्स। तो ये हमारा बैक साइड भी तैयार हो गया है एंड फ्रंट साइड तो ऑफकोर्स हमारा तैयार ही है। अब यहाँ पर हमारे कैनवस पे हम पेंटिंग बनाने वाले हैं, बहुत ही इजी और क्विक पेंटिंग है। ग्रीन और वाइट कलर मैं बैकग्राउंड में यूज़ कर रही हूँ, फ्लैट ब्रश से मैं मिक्सिंग कर रही हूँ दोनों कलर्स की एंड वी विल गेट अ वेरी गुड बैकग्राउंड डबल शेड का। आप कोई भी दो कलर्स यूज़ कर लीजिए, इवन आप सिंगल कलर यूज़ करना चाहते हैं सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे पानी का बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं। और जब ये हमारा बैकग्राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसे सूखने के लिए रख दीजिए। पूरे बैकग्राउंड को अच्छे से ड्राई होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे हम। अब यहाँ पर एक प्लेट के साथ मैं सर्कल शेप ले रही हूँ क्योंकि मुझे एक सर्कल शेप चाहिए एंड आई एम गोइंग टू मेक अ फ्लावर विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर। एंड यहाँ पर फ्लावर बनाने के लिए वाइट और रेड कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहला जो लेयर मैं फ्लावर का बनाऊँगी वो वाइट की क्वांटिटी ज़्यादा और रेड की क्वांटिटी कम रख के बनाऊँगी, यानी कि बेबी पिंक कलर की बनाऊँगी। और जो सेकेंड लेयर बनाऊँगी फ्लावर की, उसमें रेड की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दूँगी क्योंकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हमें हो सकेगा कि हमारी दो लेयर्स हैं उसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप लेयर्स बनाते रहेंगे रेड की क्वांटिटी ज़्यादा ज़्यादा करते रहेंगे। और सेंटर में मैं यहाँ पे येलो ऑकर कलर यूज़ कर रही हूँ, आप ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, योर चॉइस। इवन आप कलर फ्लावर का कलर भी अपनी चॉइस का यूज़ कर सकते हैं। एंड हेयर आर पेंटिंग इज़ रेडी। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये पार्ट वन है कैनवस मेकिंग वीडियो का। इसका पार्ट टू बहुत जल्दी आने वाला है। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं अपना अपलोड करूँगी न्यू वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।